अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए एक और वीडियो हाजिर है। मैं शामी कबाब बना रहे हैं हम, तो ये भी अक्सर लोग कहते हैं बड़े अच्छे बनाती हैं आप मेरे लिए। मैं कहती हूँ कि मुझे इतना नहीं है। तो इसमें हमने ये देखे, मैंने सारी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा है, नमक मिर्च है, और साथ में वो दाल है, एक प्याली दाल है, और एक केजी हमारे पास ये चिकन है। ये मैंने चेस्ट का चिकन लिया हुआ है। तो इसको हम ना आधे घंटे के लिए एक प्याली पानी में पकने के लिए रख देंगे। आप देखिए मैंने सारा कुछ डाल दिया इसमें। तो ये हम इसको आधे घंटे के लिए इसको कुक करेंगे हम। ये एक प्याली पानी डाला है, एक प्याली दाल है, और एक केजी चिकन है। चिकन के मैं ऐसे ही डालती होती हूँ, कीमा नहीं डालती होती। फिर इसकी हड्डियाँ चुन लेंगे, तो बाकी फिर जब तैयार करेंगे तो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलें, ये हमने कुकर लगा दिया है, इसको बस आधा घंटा भी इसमें कर देंगे, पानी ड्राई हो जाए तो फिर बस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है ये अपना मिक्सचर। इसमें मैंने वो भी डाला है, प्याज और सब्ज़ मिर्च और ग्रीन सब्ज़ धनिया भी ना, तो इसको मिक्स कर लिया। इसमें मैंने दो अंडे भी डाले हैं। तो उससे ये होता है कि जब मैं दोबारा फ्राई करती हूँ तो फिर मुझे दोबारा अंडा नहीं चाहिए होता। ये देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे। ये मैं रमज़ान के लिए भी बना के रख लेती होती हूँ, ये मैंने बनाए हैं। और ये फिर मैंने इसको इसके साथ रायता भी थोड़ा सा बनाया है, ऊपर मसाला डाल देती हूँ क्योंकि हम थोड़ा फीका डालते हैं ना, तो भाई थोड़े ये पसंद करते हैं स्पाइसी का। तो अगर किसी को सादा दही लेना वो भी ले सकता है। तो मैं इसके बाद ये मैंने अब फ्राई करने रख दिए हैं इनको। तो ये आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त हो जाएंगे। मैंने सारे कबाब बना के रख दिए हैं, ये मेरे फ्राई भी हो गए हैं थोड़े वीडियो के चक्कर में, और थोड़े ब्राउन भी हो गए ज़्यादा। और ये मैंने एक दफ़ा फिर डाले हैं इसमें, ये पता नहीं यार क्यों आ गई है, वैसे कभी कोई मसला हो जाता है। ये इनका बड़ा फ़ायदा होता है, अक्सर घर में कुछ ना हो, मेहमान आए हों आपके पास, तो आप इसको फौरन निकाल के फ्रीज बने किए होते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। दाल बनी हो या बच्चों को कोई टिंडे कद्दू पसंद ना हो, खासकर मेरे बच्चों को, तो मैं उनको बर्गर भी बना देती होती थी। ये रेडी हैं, तो मैं बच्चों का बता रही थी कि मेरे बच्चों को कुछ पसंद नहीं होता तो मैं उनको फौरन बर्गर बना देती थी, साथ केचप या चटनी इमली की या ये। आपको कैसे, वो भी बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन मुझे बच्चे ही लगते हैं। अपना दुआ भी याद रखना है, और फिर वही मियाँ चन्नू की बात, सलाम मियाँ चन्नू, माय मदर लैंड, आई लव मियाँ चन्नू एंड पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखना है।